हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो ऑन रोड टू एलर एम्पायर्स। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है गार्डियन एंग्रा पे। इसको यूज़ कैसे करें, इसकी एबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट गार्डियन पे इसकी पावर का यूज़ कैसे करना है। इसकी दो एबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है कमांड डेथ जो कि आपको 2 CP में मिलती है, और जब आप इसे एज अ कर्स कास्ट करते हो किसी भी एनिमी ट्रूप पे तो उसकी 5% की हेल्थ जाती रहती है एवरी 5 सेकेंड। जैसे ही हेल्थ 25% से नीचे होती है तो वो डेड हो जाते हैं या डिसीज हो जाते हैं। सेकेंड एबिलिटी होती है कमांड डिकेडेंस जो कि आपको 3 CP में मिलती है, और जब आप इसे यूज़ करते हो तो एनिमी के ट्रूप मैनिपुलेट हो जाते हैं और आपस में ही फाइट करने लगते हैं। अगर मान लो एक ट्रूप पे यूज़ किया और बाकियों पे नहीं यूज़ किया तो वो आपस में ही फाइट करते रहेंगे। अगर कोई भी ट्रूप टावर के पास है, एनिमी ने भेजा हुआ है और आप उसके ऊपर यूज़ करते हो तो वो अपने ही टावर को डैमेज देने लगेगा 11 सेकंड तक। एंग्रा जो कि पर्शियन फैक्शन का गार्डियन है तो इसलिए मैंने 5 पर्शियन यूनिट्स यूज़ करी हैं टू गेट फैक्शन बूस्ट। एंग्रा को यूज़ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम उसकी एबिलिटीज़ का कैसे यूज़ कर रहे हैं और किन ट्रूप्स पे कर रहे हैं। जब आपको लगे कि आपका स्पैम बिल्ट हो चुका है और वो एनिमी ट्रूप की तरफ से कोई हैवी ट्रूप आ जाती है तो आप उन पे कमांड डेथ या डिकेडेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। सो डेक की बात कर लेते हैं तो ये मैं नॉर्मल डेक यूज़ करता हूँ जो कि मोस्ट एंग्रा प्लेयर यूज़ करते हैं। बाकी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, और अगर इस डेक का यूज़ देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आप एक चेंज कर सकते हो कि वैल्करी की जगह पर्शियन शील्डमैन यूज़ कर सकते हो। आप वॉच टावर की जगह असैसिन भी यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गेम प्ले वीडियो से देखते हैं कि किस गार्डियन पे किस टाइम पे कौन सी एबिलिटी यूज़ करना सही रहेगा। इस क्लिप पे देखो, जैसे ही उसने साइरस की एबिलिटी दी तो मैंने उसके ऊपर कमांड डिकेडेंस का यूज़ किया ताकि मेरे ट्रूप को डैमेज ना पड़े। सेकेंड क्लिप में देखो, जब तीनों हाथी एक साथ थे तो मैंने कमांड डेथ यूज़ कर दी ताकि तीनों एक साथ मर जाएं। इस क्लिप में जैसे ही उसने बियोवुल्फ की एबिलिटी दी तो मैंने बियोवुल्फ के ऊपर कमांड डिकेडेंस यूज़ कर दी ताकि मेरे ट्रूप्स को डैमेज यहाँ पे ना पड़े। अगर सामने ओडिन हो तो जब वो अपनी 5 CP यूज़ कर दे तो उसके आधे बलान वॉरियर्स पे आप कमांड डिकेडेंस यूज़ करके उसकी आर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि एंग्रा का यूज कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।